शेफ नेम खान आज आपको बोगनवेलिया बनाना सिखा रहे हैं। टुडे वी आर गोइंग टू मेक बोगनवेलिया। इसको बनाने के लिए हमें करिश्मा डो, जापानीज रिबन, सैटिन रिबन, थ्रेड, वन साइडेड शार्प एज बीड्स। इसके लिए हमें चाहिए जापानीज रिबन के नाम से ही आती है और इसको इस तरह से रखती है अपन, इस तरह से फोल्ड करके इसे हाफ करना है। टेक जापानीज रिबन, फोल्ड इट हाफ एंड कट लीव शेप। अब इसको वापस फोल्ड करना है इस तरह से। इस कोने से जाना है आपको गोल घुमाते हुए ऊपर तक। पत्ती को वापस इसके ऊपर रख देंगे और इस तरह से कट टोटल थ्री लीव्स एंड बाउंड इट टुगेदर। इसके बाद में हम एक वायर लेंगे इस तरह से, ये लेंगे इस तरह से, इनको लगा ये वायर लेंगे, इसके बीच में इसको लगा देंगे। इसके बाद में पत्ती लेंगे, इसको इस तरह से बांध देंगे। इसके बाद में सेकंड पत्ती लेंगे, ये तीन पत्ती का बनेगा, इसे इस तरह से बनाना है। इसके बाद डोरी लेंगे जापानी, इसके बाद में इसको इस तरह से Now fold Japanese green ribbon all round the bottom of the stick and apply artificial leaves. ये बनकर की तैयार है। इस तरह से हमें तीन पत्तियां लगानी हैं। हमें आपस में अटैच करना है। Bound total three flowers together. इस तरह से आपको आयरन वायर लेना है। इस तरह से आपको फोल्ड करके रखना है। एक वायर ये फोल्ड हो गया। ये मैंने 22 लिए हैं, इसका हाफ करना है और इसके बाद में इसको इस तरह से रखना है आपको और इस तरह से बंद देना है। बाद में अपने हिसाब से जैसी आपकी कल्पना है, कल्पना के हिसाब से आप इसकी ब्रांचेज निकाल सकते हैं और इस तरह से ये ब्रांचेज बनने के बाद में ये ऐसा दिखाई देगा। जब ये बन जाए तो इसको इस तरह से फिक्स करना है। ये मैंने एक बाउल लिया है, इसमें थोड़ा सा करिश्मा पेस्ट डाला है। इस पेस्ट में आपको इसको इस तरह से फिक्स करना है। जब ये फिक्स हो जाएगा पूरा तो आपको ऐसा दिखाई देगा। अब इसमें आपको इसकी डेकोरेशन करनी है। इसके लिए आपने जो ये बना के रखी है ये आपको कम से कम 50 के करीब बनानी है। इसको बना करके पहले रखना है और उसके बाद में इसे अटैच करना है इस तरह से फेविकोल लगा करके। किसी भी ब्रांच में आप लगा सकते हैं। Now attach those flowers. पूरा बनने के बाद में ये आपको दो कलर का बनाना है। आप अपनी इमेजिन के हिसाब से कोई भी कलर ले सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप रेड और पिंकी लें, जो आपको अच्छा लगता है वो ले सकते हैं, वही बना सकते हैं।